हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ बॉल की रेसिपी। ये एक स्नैक्स की रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ज़्यादातर बच्चों को भी ये चीज़ बॉल बहुत पसंद आती है। तो अब आप देखिए कि घर पर आप रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ बॉल कितने आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चीज़ बॉल बनाने के लिए हमने यहाँ आलू को बॉईल करके इसे मैशर से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। याद रखें ये चीज़ बॉल है तो नमक इतना ही डालें कि चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होता है तो नमक जैसे बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगैनो। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ये आलू का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें से हम यहाँ बॉल्स बना लेंगे। देखिए बॉल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बाकी आलू में से ऐसे बॉल्स अलग कर लेंगे, बॉल्स बना के इसे अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। देखिए तैयार कर लिया है हमने ऐसे सारे बॉल्स। अब हम इसे फिंगर की मदद से ऐसे होल बना लें इसमें। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। ये हमने ग्रेटेड चीज़ ले लिया है। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से स्टफ़ करेंगे और आलू को कवर कर लेंगे ऊपर से और अच्छे से चीज़ को सील कर देंगे। ये देखिए हमारा चीज़ बॉल तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम बाकी चीज़ बॉल्स को भी रेडी कर लेंगे। देखिए सारे चीज़ बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एग में डिप करके बिस्किट क्रम से कोट करेंगे। अब हम बॉल को एग में डिप कर लेंगे। एग में हमने सिर्फ नमक मिलाया है और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इस एग से कोट किए हुए बॉल को ब्रेड क्रम में ऐड करेंगे और अपने दूसरे हाथ से इसे अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। अब हम सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। फिर से इसे हम एग में ऐड करेंगे और इसे एग से कोट करने के बाद फिर हम इसे एग से निकाल कर ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम से। इसे अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे बॉल्स को तैयार कर लिया है एक और ब्रेड क्रम में कोट करके। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप तेल देखकर कुछ माइंड मत कीजिएगा। अभी अभी मैंने इसमें नाश्ता तला है इसलिए तेल ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें चीज़ बॉल डालेंगे। ये देखिए हमें ऐसे गोल्डन फ्राई सारे बॉल्स को कर लेना है। देखिए मैं अब आपको एक चीज़ बॉल तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए हमारा चीज़ कितना मेल्टेड लग रहा है। ये गर्मा गर्म चीज़ बॉल को तोड़ने की वजह से ये मेल्ट है। अगर ये ठंडी हो जाती है तो ये चीज़ जम जाएगी और खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म चीज़ बॉल्स। ये रेसिपी आप एकदम गर्म गर्म बनाइए और संगे संग खाइए। अगर ये ठंडी हो जाती है तो चीज़ बॉल खाने में उतना मज़ा नहीं आता है।
क्योंकि गर्म गर्म चीज़ बॉल में चीज़ मेल्टेड रहता है और अगर ये ठंडी हो जाए तो चीज़ जम जाती है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।